हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। उसके लिए मैं 1.5 कटोरी सूजी, 1.25 कटोरी चीनी, 2 चम्मच घी, 10 से 12 बादाम और थोड़ा सा नारियल लिया है क्रश करके। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी ऐड करने के बाद हम इसे चलाएंगे कंटिन्यू, जब तक कि सूजी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो चुका है। सूजी का कलर चेंज होने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2.5 गिलास। 2.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसे तुरंत चलाएंगे ताकि इसमें गुटलियाँ ना पड़े, और हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। आप देख सकते हैं इसमें एक भी गुटली नहीं पड़ी है। और आँच हमेशा मीडियम रखनी है ताकि हलवा जले नहीं और सूजी जले नहीं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं मीठा थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ तो मुझे चीनी ज़्यादा चाहिए हलवे में। और ये मैंने फूड कलर डाला है इसमें, रेड कलर का। ये आप किसी भी किराने की दुकान से ले सकते हैं, आराम से अवेलेबल है। और ये बहुत ही मज़े का लगता है इससे हलवा। दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि अच्छे से पूरे उसमें मिल जाए। अब हम इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। जो हमने बादाम है वो काट के रखे हैं, और जो नारियल हमने घिस के रखा था वो। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि हलवा हमारा नीचे से लगे नहीं। घी घी को हमें डालने के बाद कंटिन्यू चलाना है। आप देख सकते हैं हमारा हलवा कहीं भी चिपक नहीं रहा है। अब हम इसमें बचा हुआ जो घी है हमारा वो भी ऐड करेंगे। सारा हलवा हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इसे फटाफट फटाफट चलाएंगे हम ताकि घी अच्छे से मेल्ट हो जाए सब जगह। और हलवे ने हमारे घी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं घी उतना ही डाला है जितना हलवे को ज़रूरत है। घी ऊपर भी इतना तैर नहीं रहा, एक्स्ट्रा भी नहीं है और कम भी नहीं है। हमारा जो हलवा है 2 मिनट बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे डालेंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।